हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर जो कि आपका खुद का चैनल है इसमें सबसे पहले आपका स्वागत है और होप uh, आप सभी लोग अच्छे होंगे तो इस वीडियो हम बात करने वाले एक पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड जिसका नाम है एम ए ऑर्गेनिक है एम ए ऑर्गेनिक से रिलेटेड एक uh, कुछ न्यूज भी है मेरे पास वो मैं आपको बताऊंगा और ये एक न्यू लिस्टिंग कंपनी है जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव वे में लग रही है एक चार पैटर्न बनाती हुई नजर आ रही है शायद यहाँ से ये शेयर आपको 2000 की तरफ मूव करता हुआ दिखाई दे तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं जानते हैं इस स्टॉक से रिलेटेड। और बिफोर द वीडियो मैं आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फोर जो कि आपका चैनल है इसे सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरह की वीडियो डेली बेसिस में मिलती रहे बाकी और भी बहुत सारी वीडियो डेली बेसिस बनाई जाती है इन्हें यहाँ पर देखिए सीखिए बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है बाकी हमसे कॉन्टेक्ट करना है और हमसे और भी जो हम वीडियोज़ बनाते हैं उसके अलावा और बहुत सारे स्टॉक्स से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए और कोई भी राय चाहिए तो आप यहाँ तक तो कमेंट करिए या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वहां पर पिंक करिए हमारी सर्विसेज ले लीजिए अच्छा खासा पैसा आपका बनता हुआ वहाँ भी नजर आएगा तो यहाँ पर दो वीडियो कल दिखाई दी थी श्रीराम सिटी यूनियन से रिलेटेड जाके देखिए लोगों ने यहाँ पर देखी नहीं है जाके देखिए अच्छी वीडियो है शाम मेटालिक से रिलेटेड और अब बात करते हैं हम एम ऑर्गेनिक तो एम ऑर्गेनिक से रिलेटेड अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये केमिकल्स की कंपनी की नजर आती है ओके okay, तो अगर यहाँ पर देखते हैं कंपनी में काम करती हुई नजर आती है रिसर्च ड्रिवन, ड्रिवन, इसके अलावा देखिए फोर्टीन ईयर्स ऑफ लैगेसी इस कंपनी को हो गया है यहाँ पर अगर इसका फुल व्यू दे रखा होगा तो एक बार हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 450 फार्मास्यूटिकल्स फार्मास्यूटिकल अक्रॉस 17 सेवनटीन थेरेपी Therapeutic uh, um, uh, areas since uh, uh, inception and and see um, which are being supplied uh, over 150 uh, customers.

के हिसाब से यहां पर ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इंक्रीजिंग शेयर इन ग्लोबल मार्केट अगर बात करें ग्लोबल मार्केट में कंपनी अच्छा खासा काम करती हुई दिखाई देती है पच्चीस इंडिया के अंदर ही और यहाँ पर रीजन अब एस ए चाइना मतलब यूएसए चाइनाइल जापान लैटिन अमेरिका ये सारे, सारे कस्टमर है और एक्सपोर्ट से ऑफ इट्स हजार 2021 में आता हुआ दिखाई दिखा दिया है बाकी अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पर इनकी जो एक्सपोर्ट था वो ट्वेंटी वन पॉइंट एट था नाइनटीन और ट्वेंटी के बीच में तो ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ये इतने से और क्लाइंट बेस की बात करें तो कंपनी की क्लाइंट बेस भी अच्छा खाता है अगर हम बात करें जैसे कि लॉरस लैब एक बेहतरीन कंपनी कैडिला सिप्ला फेब्रिका इटालियन सिंथेटिका एस सि, पी ए लिमिटेड मेडिकैम और मैनी मोर यहाँ पर इनकेस्टमरेशन की बात कस्टमर आर एन डी की बात करें डाइवर्सिफाइड थ्रू इनऑर्गेनिक रूट की बात करें तो यहाँ पर कंपनी अच्छी खासी यहाँ पर काम करती हुई नजर आती है और आईपीओ में अभी ये आईपीओ आता हुआ दिखाई दिया था तो एक बार इनकी वेबसाइट पर जाइएगा विजिट करिएगा और यहाँ पर इनकी कंपनी जो ये फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को क्या क्या बनाती है केमिकल्स में तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगी देखिए यहाँ पर ये यह सारे के सारे इंटरमीडिएट्स ऑफर ये कंपनी करती हुई नजर आती है और इसके अलावा हम अगर बात करें कंपनी और क्या करती हुई नजर आती है तो फार्मास्यूटिकल्स यहाँ पर ये यह सारे के सारे फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स बनाती हुई नजर आती है तो एक बार यहाँ पर इनकी जब वेबसाइट पर विजिट करें विजिट करके यहाँ पर देखें तो आपको सब कुछ यहाँ पर पता चलता हुआ नजर आ जाएगा तो इन शॉर्ट जैसे कि आपको पता ही है यहाँ पर केमिकल्स के रिलेटेड ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है फार्मास्यूटिकल्स में कंपनी काम करती हुई नजर आती है और दोनों की यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा चर्चा है ओके okay, इंडिया में अच्छा खासा है इन्होंने ऐसी कंपनीज में बिजनेस किया है और ये अभी लिस्ट होती हुई दिखाई दी है तो अगर हम देखें मार्केट कैप चार हजार आठ सौ नब्बे करोड़ का मतलब स्मॉल कैप कंपनी है और पीई रेशो .E. की बात करें नब्बे का यहाँ पर पीई रेशो .E. भी है आर ओसी .E. की बात करें थर्टी टू थर्टी एट का यहाँ पर आर ओ सी आर ओ ये डेट की बात करें बयासी परसेंट का डेट है कोई प्लाइसिंग नहीं है और चौदह सौ अड़तीस रुपये पे शेयर यहाँ पर जाता हुआ दिखाई दिया था उसके बाद यहाँ पर तेरह सौ बयालीस पे भी चल रहा है दस रुपये की फेस वैल्यू है शेयर की और यहाँ पर अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा शेयर पहले नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया पर इसके बाद लगभग परसेंट की रिटर्न इस पर्टिकुलर शेयर ने यहाँ पर लिस्टिंग के बाद देती हुई नजर आई थी थ्री इयर्स का आरओई का रिकॉर्ड देखें तो 34.49 के परसेंट के हिसाब से जो कि काफी बेहतरीन यहाँ पर दिखाई देता है इसके अलावा अभी रिजल्ट आए नहीं है क्वार्टरली ओके okay, तो यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट देखने रखे बट अगर बात करें यहाँ पर ईयरली बेसिस पे तो ईयरली बेसिस पे कंपनी की ग्रोथ आपको यहां पर नजर आएगी 160 करोड़ एक सौ 240 दो सौ छत्तीस दो सौ चालीस और यहाँ पर अभी बात करें, दो मार्च दो हजार इक्कीस में तीन करोड़ रुपए की सेल्स होती हुई दिखाई दी थी जो कि नेट प्रॉफिट 12 करोड़ से चौवन करोड़ बढ़ता हुआ दिखाई दिया तो यहाँ तो ईयर ईयरली बेसिस पे अच्छा खासा कंपनी ने परफॉर्म करके यहाँ पर दिखाया है तो कंपनी के ऊपर आप बिलीव कर सकते हैं रिजर्व की बात करें एक करोड़ का रिजर्व जो की बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है बोरिंग की बात करें बोरिंग भी यहाँ पर हुई नजर आ रही है आ, यहां पर अगर बात करें कुछ और चीजों की इन्वेस्टमेंट वन करोड़ का कैश की बात करें

बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पर ले है और इसमें से एक बड़ा नाम यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो किसका है आशीष कचौलिया आश, आशीष कचौलिया की अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़े यहाँ पर इन्वेस्टर्स भी है और यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए

आशीष कचौलिया की अच्छी खासी हिस्सेदारी है ये इस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड न्यूज है और आशीष कचौलिया मार्केट में एक दिग्गज लेजेंट इन्वेस्टर माने जाते हैं और इन्होंने बहुत पैसा यहाँ पर मार्केट में डूरिंग दैट पीरियड यहाँ पर कमाया भी है तो इस चीज को थोड़ा सा थोड़ा सा आपको ध्यान में देना होगा तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा खासा पैसा मार्केट से मार्केट में आ, इस तरीके के बेहतरीन स्टॉक्स जो ये बड़े बड़े लोग हैं उन पर नजर रख के भी हमें कमा कमा सकते हैं बट इन्हें पूरी तरह से फॉलो नहीं करना चाहिए बट बिजनेस अगर देखें तो काफी बेहतरीन बिजनेस है और जब बिजनेस अच्छे हो फंडामेंटल्स अच्छे हो तो हमें वहां पर कूदने में थोड़े बहुत पैसों के साथ कोई बुराई यहाँ पर होती नहीं है इसके अलावा देखे तो फोर्टी परसेंट की पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर उठाती हुई दिखाई दी थी फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं तेईस तारीख को इनके रिजल्ट है ओके okay, यहाँ पर अभी कल की डेट में एटीन है तो नेक्स्ट वीक में यहाँ पर रिजल्ट आते हुए दिखाई देंगे तो थोड़ा इसकी तरफ नजर बनाइएगा अब बात करते तो हैं चार पैटर्न की चार्ट पैटर्न की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर ये शेयर 1.65 परसेंट लास्ट क्वार्टर में बढ़ता हुआ दिखाई दिया है इससे पहले भी और यहाँ पर अगर कुछ चीज आप गौर करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक फ्लैग मतलब शेयर अच्छा खासा लिस्ट हुआ लिस्ट होने के बाद भी अच्छा खासा यहाँ पर भागा था ओलावा फोर्ट इसमें ऑल टाइम हाई भी तभी, तभी बनाया था चार पाँच छह दिन के अंदर अंदर और उसके बाद से एक फ्लैग बनाता हुआ नजर आता था पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बनाते हुए ये शेयर ऊपर की तरफ निकलता हुआ नजर आ रहा है तो यहाँ पर एक दो दिन में ये शेयर अच्छा खासा भागता हुआ दिखाई देगा बट आपको बाइंग सेलिंग की देखिए रिकमेंडेशन नहीं है इसके रिजल्ट एक बार देखेंगे अगर इसके रिजल्ट बेहतरीन हुए ना तो ये शेयर फिर रॉकेट होता हुआ दिखाई देगा जैसे कि इनिशियल में यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था कि ये जो शेयर है अब दो हजार रुपये के लक्ष्य की तरफ भाग रहा है तो शायद ये दो

एमी ऑर्गेनिक बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पर है यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको बताया एफ आई डी ने होल्डिंग अच्छी खासी ले रखी है बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करें हमें से कॉन्टैक्ट करना है तो व्हाट्सअप का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप कॉन्टेक्ट करिए बाकी यहाँ पर बहुत सारे वीडियोज बनाई जाती है डेली बेसिस पे देखिए सपोर्ट करिए हमें सीखिए और यहाँ पर जितना भी हो सके उतना शेयर करने की कोशिश करें थैंक यू सो मच कॉड प्लेस